हाय, दिस इज विष्णु गाजन, वेलकम शिवालिन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे आपसे तेलंगाना स्टेट के बारे में कि तेलंगाना स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी क्या है, इनकी फीसेस क्या है, आपके कितने मार्क्स हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी की आपकी फीस मिलेगी, कौन सी सीट अलॉट हो सकती है आपको, और वो कितने मार्क्स होंगे कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट और मुस्लिम माइनॉरिटीज कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पे करेंगे कंप्लीट एनालिसिस, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं बता दूं आपको कि हर साल की तरह इस साल भी हमने आपके नीट एमबीबीएस काउंसलिंग की रिगार्डिंग अपने टेलीग्राम के चैनल बना दिए हैं। अगर आपने उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। साथ में अगर मैं बात करूं आपसे तेलंगाना स्टेट के बारे में, तो तेलंगाना में टोटल 34 एमबीबीएस कॉलेज है। जी हाँ, 34 टोटल मेडिकल कॉलेज है जिनके अंदर 5,243 कंप्लीट मेडिकल सीट्स है। तेलंगाना अगेन एक ओपन स्टेट है। जी हाँ, तेलंगाना एक ओपन स्टेट है, इसलिए यहाँ पे किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के 34 मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ, 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इन 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक आपका एम्स है, जी हाँ एम्स है आपका एक, बाकी 10 आपके प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तेलंगाना स्टेट के अंदर। और इनके अंदर टोटल 1740 डेट इज 1740 सीट्स हैं, और जिसकी फीस मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज के आसपास रहने वाली है। 10,000 to 20,000 रुपीज के अप्रॉक्स में कंप्लीट फीस रहती है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब मैं बात करूं वो क्या मिनिमम मार्क्स रहेगा जिसपे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व, दैट इज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स समवेयर 535-545 प्लस आ रहे हैं, तो श्योरली आपको यहाँ पे सीटें मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम मार्क्स शुड बी 500 प्लस, फॉर बीसीए कैटेगरी 445 प्लस, फॉर बीसीबी 420 प्लस, फॉर बीसीसी 450 प्लस, फॉर बीसीडी 520 प्लस, एंड फॉर बीसीई कैटेगरी द मिनिमम मार्क्स शुड बी 395 प्लस। अगर आपकी इन कैटेगरीज में इससे ज्यादा मार्क्स रहते हैं या इतने भी मार्क्स रहते हैं और आप स्मार्ट काउंसलिंग के थ्रू अपने चॉइसेस को फिल करते हो, तो श्योरली आपको यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी फीस 10,000 to 20,000 रुपीज है, उसमें आपको सीटें अलॉट होने के चांसेस बनेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके 23 प्राइवेट, या 34 में से 11 आपके गवर्नमेंट हो गए जिसमें से 10 प्योर गवर्नमेंट है और एक आपका एम्स है। अब मैं बात करूं अगर 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो इन 23 में आपके 19 प्राइवेट प्योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और अगेन 4 आपके मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। जी हाँ, 4 मुस्लिम माइनॉरिटीज है और 19 आपके प्योर प्राइवेट है। इन 19 प्राइवेट के अंदर टोटल जो सीट्स है, मतलब अगर 23 सीट्स को मैं मिला के बात करूं 23 कॉलेजेस की, तो टोटल 3,350 दैट इज 3,350 सीट्स है। इन 19 प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3 टाइप की आपकी फीस है। जी हाँ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए मेनली आपकी गवर्नमेंट सीट, मतलब गवर्नमेंट फीस है, मतलब प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपको गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस है, अगर आपको एक तरह से आप सेमी गवर्नमेंट सीट समझ सकते हो, अगर वो अलॉट होती है आपकी, तो आपकी जो मिनिमम फीस रहेगी वो आपकी 60,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ, सॉरी पर ईयर रहेगी। जी हाँ, 60,000 to 70,000 पर ईयर फीस रहेगी। वहीं पर अगर कैटेगरी बी की मैं बात करूं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी ए की अगर आपको सीट अलॉट होती है जो कि गवर्नमेंट सीट है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट सीट है, तो उसके लिए आपकी मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम मार्क्स शुड बी 470 प्लस, फॉर बीसीए 405, फॉर बीसीबी 465, फॉर बीसीसी 420, फॉर बीसीडी 480 प्लस, फॉर बीसीई 450 प्लस, और वहीं पे एससी कैटेगरी के अंदर तो मिनिमम मार्क्स शुड बी 4390 प्लस। अगर आपके इतने मार्क्स या इससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको सेमी गवर्नमेंट सीट्स पे अलॉट होने के चांसेस बनेंगे, जिसकी फीस आपकी कैटेगरी ए वाली लगेगी और वो फीस रहेगी आपकी 60,000 रुपीज से 70,000 रुपीज के अप्रॉक्स में आपकी पर ईयर रहेगी फीस। अब मैं बात करूं अगर कैटेगरी फी बी, दैट इज बी कैटेगरी जो फीस है वो मैनेजमेंट कोटा वाली फीस है। इसके लिए अगर आपके मार्क्स 350 प्लस है, 350 टू 360 प्लस है, तो आपको कैटेगरी को मैनेजमेंट कोटा वाली फीस अलॉट होगी और इसकी फीस जो है आपकी वो 11.55 लाख रुपीज है। जी हाँ, 11.5 लाख, दैट इज 11,50,000 रुपीज फीस है।
ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पे 4.5 नहीं बल्कि 5 ईयर की कंप्लीट फीस लगती है। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, देयर इज नॉट अ ऑप्शन ऑफ 4.5 ईयर फीस, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ 5 ईयर फीस। तो ऐसे बहुत सारे आपको कॉल्स आ सकते हैं, बहुत सारे आपको ब्ला ब्ला एजेंसी से आपको फोन आ रही है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दिला देंगे, ये फीस रहेगा। तो ये चीज आप जान लीजिए कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां पे 4.5 ईयर की नहीं 5 ईयर की फीस लगती है, इसलिए इस चीज को वेरीफाई करके रखें। अगर आपको एक्स वाई जी पर्सन कोई भी बोल रहा है कि आपको इतनी फीस लगेगी, तो उसे एक बार वहां की प्रोस्पेक्टस, एक बार उस आदमी को या उस पर्सन को, उस एजेंसी को वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि क्या वो सच में ऐसा है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल इन तेलंगाना आपको 5 ईयर की फीस देनी पड़ती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं चार मुस्लिम माइनॉरिटीज कॉलेज जो है, तो वो मेनली आपके शादान, डेकन, आर्यन और डॉक्टर वीआरके, जो टोटली वुमेन्स के लिए है। शादान मेडिकल कॉलेज, डेकन मेडिकल कॉलेज, आर्यन मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर वीआरके मेडिकल कॉलेज है जो वुमेन्स के लिए है। बाकी ये तीन जो है, ये चारों मुस्लिम माइनॉरिटीज कॉलेज है। और यहाँ की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये आपकी फीस जो होती है यहाँ पे 14 लाख पर ईयर वाली फीस लगती है आपको। और अगर आप इन चार माइनॉरिटीज कॉलेज में एडमिशन देख रहे हो, तो आपके मार्क्स समवेयर अगर 255 प्लस है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। ये तो रही कंप्लीट एनालिसिस तेलंगाना के बारे में। अगर आपको किसी और स्टेट के बारे में जानना है या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप अपनी काउंसलिंग के लिए एक एक्सपर्ट काउंसलर को देख रहे हो, तो उसके लिए आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम लास्ट 12 ईयर से काफी सारे बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो मिनिमम टू द मिनिमम, दैट इज लोएस्ट टू द लोएस्ट बजट में, बेस्ट टू द बेस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में शटल आउट करते आइए। तो बाकी चीजों के लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट करें। हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, या आप हमारी वेबसाइट www.admissionmedia.in पे जाके आप हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।